फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। में पूजा, एक नजर डालते हैं जिले की फटाफट खबरों पर। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की हुई बैठक, अहम बिंदुओं में से जुड़े एजेंडा प्रस्तुत। लंबे समय से विवादों में रहे थाना भवन को भूमि आवंटन का मामला फिर कार्य परिषद के सामने, चिन्हित कब्जों को हटाने की शुरू होगी प्रक्रिया। शिक्षकों को समयमान वेतन के लिए शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव। 5,000 का भुगतान न करने पर किशोर ने दोस्त पर किया चाकू से हमला, स्कूटी लेकर हुआ फरार। घायल उत्तम लाल कुशवाहा की शिकायत पर निखिल मिश्रा निवासी पन्नी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। मोबाइल लूट के दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोराटा पुलिस ने सौरभ साकेत निवासी भलुआ की शिकायत पर साइबर सेल की मदद से अतुल विश्वकर्मा व मुकेश कोरी को किया गिरफ्तार। नवविवाहिता की हत्या के मामले में घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन। गला घोट कर विवाहिता को उतारा गया था मौत के घाट, सभी आरोपियों को पकड़ कर भेजा गया जेल। आयोग को गुमराह करने पर जिला पंचायत APO पर लगाया गया जुर्माना। LED लाइट घोटाले से जुड़ी जानकारी ना देने पर हुई कार्रवाई, बार बार नोटिस के बाद भी नहीं दिखाई संवेदनशीलता। अतिरिक्त CEO AB खरे पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश। एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने मांगी थी जानकारी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी जिला पंचायत आभा सिंह के खिलाफ हुई कार्रवाई। बिस्तर पर मृत मिले प्रधान आरक्षक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द। अत्यधिक शराब पीने से मौत होने की आशंका। आरक्षक राजकुमार मिश्रा निवासी सलैया थाना मझौली का बीते दिन शासकीय आवास में मिला था शव। लापता युवक का बहुती जलप्रपात में मिला कंकाल, 4 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया शव। अतुल सिंह पिता नारायण सिंह निवासी फूलकरण सिंह के रूप में हुई युवक की पहचान। नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वालों की शामत, पुलिस ने क्रेन से उठाई 30 बाइक। यातायात पुलिस ने चौराहों पर की कार्रवाई, सड़कों से हटाए गए ठेले। बसों का संचालन रेवांचल बस स्टैंड से कराने की मांग को लेकर व्यापारी संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रेलवे मोड़ में बस खड़ा करने से प्रभावित हो रहा है रेवांचल बस स्टैंड कारोबारियों का व्यापार। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चिकित्सकों की समस्या भी बरकरार, कई ने छोड़ा 55 रेजिडेंस की जरूरत। भवन और मशीनरी उपलब्ध कराने के बाद चिकित्सकों की पूर्ति नहीं करा पा रहा है प्रशासन। हार्वेस्टर से गेहूं कटाई का प्रतिबंध हटाने की उठाई गई मांग, कटाई में हार्वेस्टर के साथ स्ट्रीपर लगाने की है अनिवार्यता। संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्टर को बताई समस्या। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर सिमरिया क्षेत्र के भावरा में आयोजित होगी जयंती महोत्सव, कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया होंगे शामिल। ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट रीवा के द्वारा उत्सव राजविलास पीली कोठी में आयोजित किया गया हीरक सम्मान समारोह। वक्ताओं ने कहा, वरिष्ठ जन समाज के पथ प्रदर्शक, इनसे सीख लेने की है जरूरत। किसानों पर टूटा आग का कहर, 1 दर्जन से अधिक किसानों की फसल घर सहित पेड़ जले। सेमरिया थाने के चकदही व शकर जिमा गांव में हुई घटना, दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। साइबर फ्रॉड का नया तरीका है सामने, ऑनलाइन पेमेंट का झांसा। QR कोड स्कैन करके खाते से उड़ाए रुपए, गिट्टी विक्रेता बना ठगी का शिकार। बदमाश फोन कर बुकिंग कर डिलीवरी के समय दे रहे ठगी का अंजाम। घर के अंदर घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़, पीड़िता की शिकायत पर रविंद्र सेन निवासी सलैया के खिलाफ मामला दर्ज, महुवन थाना क्षेत्र का मामला। घर में घुसे बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर और नदी चुराया, महुवन थाना क्षेत्र के तेंदुआ निवासी रमाकांत साहू के घर हुई चोरी की वारदात। लापरवाही पूर्वक फुलेरो चालक ने वाहन चलाते हुए मारी टक्कर, बाइक सवार हुए घायल। घायल मनोज सेन, सूरज विश्वकर्मा, मनीषा सेन को उपचार के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। रामपुर थाना नैकिन क्षेत्र के रहने वाले हैं घायल। आमचुआ शिव मंदिर के पास भगवान मोड़ में हुई घटना। जिले भर की फटाफट खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।